आईपीएल 2021 का 17वां मुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम 7:30 बजे से चेन्नई के एमई चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई की टीम ने बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछला मैच गंवा दिया था। ऐसे में आपको बता दें कि वो उस हार को भुलाकर वापसी करना चाहेगी। हालांकि आपको बता दें कि ये मुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच है तो दिलचस्पी भरा तो होना ही है। ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब ने जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद उसकी टीम जूझती हुई नजर आई। बुधवार को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ वो 120 रन ही बना पाई और केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम अभी तक सही कॉम्बिनेशन बनाने में संघर्ष कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब की बल्लेबाजी मजबूत है, लेकिन राहुल और मयंक अग्रवाल को छोड़कर कोई और अन्य बल्लेबाज नहीं चल पा रहा। उसके गेंदबाज भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। ऐसे में आपको बता दें कि यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल का बल्ला खामोश है, जबकि वेस्टइंडीज़ के उनके साथी निकोलस पूरन भी नहीं चल पा रहे। लगातार 3 हार से पंजाब का मनोबल निश्चित तौर पर गिरा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि टीम को अब तुरंत ही इससे उभरना होगा, नहीं तो प्लेऑफ की उम्मीदें धूल में मिट जाएंगी। ऐसे में आज के मैच के लिए पंजाब की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार हो सकती है। तो पहले नंबर पर आ सकते हैं केएल राहुल, दूसरे पर मयंक अग्रवाल, तीसरे पर क्रिस गेल, चौथे पर निकोलस पूरन, पांचवें पर दीपक हुड्डा, छठे पर मोइसेस हैंड्रिक। वहीं आपको बता दें कि 7वें पर आ सकते हैं शाहरुख खान, 8वें पर फैबियन एलन, वहीं 9वें पर मुरुगन अश्विन, 10वें पर मोहम्मद शमी और 11वें नंबर पर यहां पर आ सकते हैं अर्शदीप सिंह। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब किंग्स अपनी किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।